10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लीन फैंग अपनी विंड ब्लास्ट टेक्निक का यूज करते हुए उन सभी स्पाइडर्स के ऊपर अपने स्वॉर्ड इंटेंट से अटैक कर देता है, जो देखकर वह सभी स्पाइडर्स एक शील्ड बनाकर लीन फैंग के अटैक को रोकने की कोशिश करते हैं, पर उनका वह शील्ड लीन फैंग के अटैक के सामने नहीं टिक पाता है। वहीं साओ साओ लीन फैंग के इस पावर को देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है, और तभी ईगल साउटियान अपने स्वॉर्ड से उन सभी स्पाइडर्स पर अटैक करने लगता है, जो देखकर वहां पर लीन फैंग काफी ज्यादा खुश होता है, और अब वह अपने स्वॉर्ड इंटेंट का यूज करते हुए उन स्पाइडर्स पर अटैक करने लगता है। पर तभी एक स्पाइडर लीन फैंग के स्वॉर्ड को वहां पर पकड़ लेता है, जो देखते ही लीन फैंग वहां पर अपनी सोल बॉडी टेक्निक का यूज करता है। अब यह देखकर वहां पर साओ साओ और भी ज्यादा हैरान हो जाती है, और उसी वक्त वहाँ पर लीन फैंग की पावर को देखकर लुओ फैमिली के मेंबर्स भी आ जाते हैं। वहीं वह लीन फैंग की इस खतरनाक पावर को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। दूसरी ओर ईगल साउटियान वहाँ पर उन स्पाइडर से फाइट कर रहा होता है, और तभी एक स्पाइडर उस पर अटैक करके उसे वहाँ पर फ्रीज कर देता है, जिस पर लीन फैंग उसे अपने फिनिक्स फायर का यूज करते हुए छुड़ाता है। अब साउटियान उससे बोलता है कि मास्टर, अभी मैं यहाँ पर काफी ज्यादा कमजोर हूँ, और अपने इस पावर के साथ मैं इन स्पाइडर से कभी नहीं जीत पाऊंगा, तो आप मुझे यहाँ पर माफ कर दे। तभी लीन फैंग बोलता है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुमने यहाँ पर काफी अच्छा काम किया है, तो अब यहाँ से आगे सब कुछ मैं संभाल लूंगा। तभी एक स्पाइडर लीन फैंग के ऊपर पीछे से अटैक कर देता है, जो देखकर साओ साओ लीन फैंग को बचाने के लिए आगे आती है, और अब वह उस स्पाइडर के अटैक से वहां पर घायल हो जाती है। तभी वह स्पाइडर दोबारा लीन फैंग पर अटैक कर देता है, पर लीन फैंग उसके अटैक को वहीं पर रोक देता है, जो देखकर वहां पर सभी लोग सोचने लगते हैं कि लीन फैंग ने यहां पर उस आइस स्पाइडर के स्पीयर लेग्स को अपने हाथों से पकड़ रखा है। यह एक बहुत बड़ी बेवकूफी है, और यह करने के बाद लीन फैंग यहां पर ज्यादा देर तक जिंदा नहीं बच पाएगा। और तभी लीन फैंग अपनी स्वॉर्ड का यूज करते हुए साओ साओ को खुद से दूर कर देता है, और अब वह उस स्पाइडर के ऊपर सिनर के अंदर से एब्जॉर्ब किए हुए हेवनली पॉइजन को छोड़ देता है, जिससे वह स्पाइडर उसी जगह पर मारा जाता है। तभी एक स्पाइडर लीन फैंग पर अपने पॉइजन से अटैक करता है, जो देखकर लीन फैंग बोलता है कि अब तुम्हारे इन ट्रिक्स से मुझे कुछ नहीं होगा, तो अब तुम मरने के लिए यहाँ पर तैयार हो जाओ, जिसके बाद वह अपने स्वॉर्ड इंटेंट टेक्निक का यूज करने लगता है। पर तभी वह स्पाइडर लीन फैंग पर अटैक करके उसे वहां पर घायल कर देता है, जो देखकर साओ साओ काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। वहीं पर लुओ फैमिली के मेंबर्स बोल रहे होते हैं कि हमें यह पता था कि यहाँ पर यही होने वाला है। तभी लीन फैंग वहाँ पर गुस्से में गॉड्स पनिशमेंट टेक्निक का यूज करके उस स्पाइडर को मार देता है, जो देखकर लुओ फैमिली के मेंबर्स काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ पर साओ साओ लीन फैंग को गले लगाकर रोने लगती है, और बोलने लगती है कि उसकी वजह से आज यहाँ पर लीन फैंग घायल हो गया। तभी लीन फैंग उसे चुप कराता है और बोलता है कि वह यहाँ पर बिल्कुल ठीक है और उसे कुछ भी नहीं हुआ है। तभी साओ साओ लीन फैंग को थैंक्स करती है और बोलती है कि अगर फ्यूचर में कभी भी लीन फैंग को उसकी जरूरत होगी तो वह लीन फैंग की जरूर मदद करेगी, जिसके बाद वह अपने भाई के पास जाने लगती है। तभी ईगल साउटियान बोलता है, मास्टर, उस स्पाइडर का वह अटैक काफी ज्यादा खतरनाक था, तो क्या आप यहाँ पर सच में ठीक हो? तभी लीन फैंग बोलता है, मैं यहाँ पर ठीक हूँ, पर मैंने इस फाइट में यहाँ पर अपनी काफी ज्यादा सोल एनर्जी खर्च कर दी है, तो अब हमें जल्दी चलकर उस लोटस को लेना चाहिए। तभी साउटियान बोलता है, मास्टर, वह सेवन कलर्ड जेड लोटस हजारों सालों पुराना है, जिसके पावर को बस प्योरीफाई करके ही आप एक लेवल आगे चले जाओगे, और उसके बाद आप उस लोटस के सीड्स को मुझे भी दे सकते हो। जिसके बाद लीन फैंग उस लोटस की ओर आगे जाने लगता है। वहीं पर लुओ फैमिली के मेंबर्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि यह लीन फैंग सच में काफी ज्यादा पावरफुल है, और उसने इस जगह पर हेवनली मार्शल रैलम के कई सारे स्पिरिट बीस्ट को मार दिया, यहाँ तक कि जुनिये भी उन स्पिरिट बीस्ट का सामना नहीं कर पाया था, तो अब उन लोगों को इस जगह पर क्या करना चाहिए। तभी एक सोल्जर बोलता है कि लीन फैंग ने इस जगह पर अपनी काफी ज्यादा एनर्जी को वेस्ट कर दिया है, तो अभी वह काफी ज्यादा कमजोर होगा, और यही हमारे पास सही टाइम है उस पर अटैक करने का, और अगर उन्होंने यहाँ पर लीन फैंग को पकड़ लिया तो उन्हें ऑर्डर ऑफ मार्शल आर्ट मिल सकता है, और साथ ही साथ उन्हें वह सेवन कलर्ड जेड लोटस भी मिल जाएगा। वहीं खड़ा लीन फैंग उस जगह की प्योर एनर्जी को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है, और सोच रहा होता है कि इस जगह पर प्रैक्टिस करके वह और भी ज्यादा पावरफुल बन सकता है, जिसके बाद वह उस लोटस की ओर आगे बढ़ने लगता है, और अब वह जाकर वहाँ पर उस लोटस को ले लेता है। वहीं दूसरी ओर साओ साओ जुनी से बोल रही होती है कि यहाँ पर लीन फैंग ने उन दोनों की जान बचाई है, और अगर इस जगह पर लीन फैंग नहीं होता तो वह दोनों यहीं पर मारे जाते, तो अब उन दोनों को वह लोटस लीन फैंग को ही ले लेने देना चाहिए।
तभी लुओ फैमिली के मेंबर्स लीन फैंग पर अटैक कर देते हैं और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लीन फैंग वहाँ पर लुओ फैमिली के दो मेंबर्स आगे बढ़कर लीन फैंग से बोलते हैं कि लीन फैंग तुम अपने ऑर्डर ऑफ मार्शल आर्ट को हमारे हवाले कर दो। वहीं जूनी उन दोनों पर्सन को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि यह दोनों तो टैंग ब्रदर्स है लाइटनिंग मार्शल हॉल से। और अब वहाँ पर लुओ फैमिली के और भी मेंबर्स आ जाते हैं और बोलने लगते हैं कि लीन फैंग तुम यहाँ पर मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी साओसाओ बोलती है कि लीन फैंग तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो सुनकर लीन फैंग बोलता है कि प्रिंसेस आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं इन सभी को अकेले संभाल सकता हूँ। और अब लीन फैंग उस लोटस के अंदर से एक सीड को निकालकर साउटियान को देता है और बोलता है कि लुओ फैमिली के वॉरियर्स काफी ज्यादा कमजोर है और वह मेरे सामने कभी नहीं टिक पाएंगे। जो सुनते ही टैंग ब्रदर्स को काफी गुस्सा आता है और अब वह दोनों एक साथ लीन फैंग पर अटैक कर देते हैं। तभी लीन फैंग साउटियान को आगे भेजता है। वहीं उस लोटस के सीड को खाने के बाद साउटियान की पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है और अब साउटियान टैंग ब्रदर्स के अटैक को काफी आसानी से रोक देता है, जिसके बाद वह अपने रियल फॉर्म में आते हुए लुओ फैमिली के सभी मेंबर्स पर अटैक करके उन्हें वहाँ पर बुरी तरीके से घायल कर देता है, जो देखकर वहाँ पर साओसाओ काफी ज्यादा हैरान होती है। तभी लुओ फैमिली के मेंबर्स वहाँ से डरते हुए एक दूसरे की मदद करते हुए भाग जाते हैं। वहीं जूनी लीन फैंग की पावर को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है और बोलने लगता है कि लीन फैंग सच में एक जीनियस है। और अब वहाँ पर बैठकर लीन फैंग उस लोटस की पावर को प्योरीफाई करने लगता है, जो देखकर साउटियान उससे बोलता है कि मास्टर क्या मैं यहाँ पर इस लोटस के और भी सीड्स को ले सकता हूँ। यह सुनकर लीन फैंग उसे दो सीड और देता है और अब वह वहाँ पर बैठकर उस लोटस को प्योरीफाई करने लगता है। वहीं जूनी साओसाओ और उसके सभी सोल्जर्स भी वहाँ पर कल्टीवेशन करके अपनी पावर को रिस्टोर करने लगते हैं। और अब कल्टीवेशन से उठने के बाद लीन फैंग वहाँ पर स्पिरिट मार्शल रैलम पर पहुँच चुका होता है। तभी साओबाई उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है और बोलती है कि चेंगसंग वैली में काफी ज्यादा नेचुरल एनर्जी है, जिस वजह से तुम अपनी कल्टीवेशन को और भी ज्यादा तेज कर सकते हो। तभी लीन फैंग बोलता है कि अगर इस जगह पर मैं 10 दिनों तक कल्टीवेट कर पाऊँ तो मैं काफी ज्यादा पावरफुल बन सकता हूँ, पर मेरे पास उतना टाइम नहीं है, साओबाई बोलती है। और यहाँ पर साउटियान भी काफी तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है। लीन फैंग बोलता है आपने बिल्कुल सही कहा और आज की इस फाइट में साउटियान ने मेरी काफी ज्यादा मदद की है। वहीं साउटियान की पावर को देखकर जूनी समझ जाता है कि साउटियान कोई नॉर्मल बर्ड नहीं बल्कि वह शॉर्ट स्पिरिट है। तभी साउटियान लीन फैंग के पास आता है और बोलता है कि मास्टर अगर मैं पहले की तरह डिवाइन मार्शल रैलम पर पहुंच जाऊं और मेरी ओरिजिनल बॉडी मुझे वापस मिल जाए तो हमसे यहां पर फाइट करने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है और फिर मैं आपको हर खतरे से प्रोटेक्ट कर सकता हूं। अब लीन फैंग वहां पर जूनी के पास आता है। तभी जूनी लीन फैंग को थैंक्स करता है और बोलता है कि आपने हमारी यहां पर काफी ज्यादा मदद की है। लीन फैंग बोलता है मैंने यहां पर कुछ नहीं किया और अब वह उस जेड लोटस के सीड्स को वहां पर जूनी को देता है और बोलता है कि प्रिंसेस साओसाओ ने मेरी इस फाइट में काफी ज्यादा मदद की है तो मैं आप दोनों को यह एक गिफ्ट के रूप में देना चाहता हूँ। पहले जूनी वह लेने से मना कर देता है पर बाद में लीन फैंग के फोर्स करने के बाद वह उसे ले लेता है। अब लीन फैंग बोलता है कि अब आगे वह यहाँ पर वाटर ऑफ लाइफ ढूंढने के लिए जा रहा है तो यहाँ पर जूनी और साओसाओ क्या करने वाले हैं। अब जूनी और साओसाओ लीन फैंग को बताते हैं कि उनकी मॉम की तबीयत काफी ज्यादा खराब है जिन पर किसी भी मेडिसिन का कोई भी असर नहीं हो रहा है और अब उनकी मॉम यहाँ पर बस वाटर ऑफ लाइफ से ही ठीक हो सकती है। जो सुनकर लीन फैंग बोलता है तो फिर ठीक है क्यों ना हम सभी एक साथ मिलकर वाटर ऑफ लाइफ को इस जगह पर ढूंढे। जो सुनकर साओसाओ काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अब वह सभी लोग बातें करते हुए आगे पहुंचते हैं। तभी वह देखते हैं कि एक जगह पर टियानचाओ उस जगह से आगे बढ़ने के लिए एक सील को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है पर उसे वहां पर कुछ भी समझ में नहीं आता है। वहीं जब टियानचाओ से वह सील नहीं खुलता है तो वह उस सील पर अटैक करके उसे तोड़ने की कोशिश करता है पर वह इसमें भी कामयाब नहीं हो पाता है। और तभी वहाँ पर लीन फैंग और बाकी सब भी आ जाते हैं। अब वहाँ पर साओसाओ को देखकर टियानचाओ उससे बात करने की कोशिश करता है पर साओसाओ उसे वहाँ पर इग्नोर कर देती है। अब वहाँ पर लीन फैंग उस सील के बारे में पढ़ता है और बोलता है कि इस सील को यहाँ पर खोलना आसान नहीं होने वाला है। और अब लीन फैंग उस सील पर लिखे हुए इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ता है जिसके बाद वह बोलता है कि वह इस सील को काफी आसानी से खोल सकता है। तभी टियानचाओ बोलता है लीन फैंग हम सभी लोग यहाँ पर मिलकर इस सील को नहीं खोल पाए तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम यह कर पाओगे। तभी लीन फैंग आगे बढ़ते हुए अपनी पावर का यूज करते हुए वहाँ पर जमीन में एक पंच मारता है जिससे वहाँ पर कुछ नए इंस्ट्रक्शन निकलकर बाहर आते हैं। और अब लीन फैंग बोलता है कि हम यहाँ पर 5 एलिमेंट्स की पावर का यूज करके इस सील को खोल सकते हैं। तभी टियानचाओ बोलता है कि आज तक कोई एक पर्सन 5 एलिमेंट्स की सभी पावर्स को यूज नहीं कर पाया है तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम यह कर सकते हो। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।